सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। जामताड़ा शब्द सुनते ही धोखाधड़ी की बात जहन में घूमने लगती है। झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र में ऐसे ही एक ठग को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह शातिर ठग बिजली बिल जमा करने के नाम पर लोगों को चुना लगा रहा था। इस ठग ने भिलाई के कोका निवासी पुष्पेंद्र गजेंद्र के बैंक अकाउंट से लगभग 1,50,000 रुपए उड़ा दिए। जामताड़ा के मुकेश मंडल नाम के इस ठग को जब पुलिस पकड़ कर लाई तो इसने चौंकाने वाली बात बताई। इस ठग का दिमाग इतना तेज है कि हर महीने 20 से 25 लाख रुपए ठग लेता था। आइए सुनते हैं शातिर ठग मुकेश मंडल के जुबानी कैसे वो लोगों को झांसे में लेता था। एनी डेट से या फिर ट्वीट सपोर्ट डाउनलोड करवाते थे, उसे डाउनलोड करवाते फिर उसका मोबाइल का एक्सेस लेते थे हम लोग। एक्सेस लेने के बाद क्रोम या फिर गूगल ओपन करवाते, कुछ रिचार्ज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए बोलते थे, उसका एक्सेस हम लोग के पास आ जाता था सर। अगर आप समझते हैं कि गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन पूरी तरह सेफ है तो ये आपकी गलतफहमी है। अननोन नंबर से कॉल कर लेता था झांसे में। अभी तक कितनों के साथ फ्रॉड किया तो ये पता नहीं चलता था, ऐसे ही अननोन फोन लगाते थे। तो ये थे शातिर ठग मुकेश मंडल, जो कड़ी मशक्कत के बाद दुर्ग पुलिस के गिरफ्त में है। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपी अजय मंडल, पिंटू मंडल और रंजित मंडल की तलाश जारी है, जिसे लेकर दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि जामताड़ा में फाइबर फ्रॉड के बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं। आज एक बहुत बड़े ग्रुप को हमें पर्दाफाश करने में कामयाबी मिली है। ये ग्रुप एजेंसी से वेरीफाइड नंबर्स लिया करता था, फर्जी नाम पे सिम खरीदा करता था, लोगों को फ़ोन करके क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कराया करता था और उसके बाद एक लिंक भेजा करता था जिसमें कि रिचार्ज करने की बात की जाती थी, और जैसे ही रिचार्ज होता था ये पूरे इनके डेबिट कार्ड डिटेल्स OTP हैक हो जाता था और इससे ये उसके पूरे डेबिट कार्ड को खाली कर देते थे। पिछले 7 वर्षों में 150 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने ठगी की है, करीब 2.5 से 3 करोड़ की ठगी इन्होंने मानी है। 3 लोग मिलकर काम करते थे, इनके साथ एक ग्रुप ऑफ अकाउंटेंट भी था, एक ग्रुप इनके पास जो है वो अकाउंटेंट का था, एक ग्रुप उसके साथ मिलकर ये काम करते थे। ये शेयरिंग बेसिस पे काम करते थे, 50% ये इनका बसता था और 50% ये अपने शेयर होल्डर्स को दिया करते थे। निश्चित रूप से लंबा ये चल रहा था और पुलिस के इस कामयाबी से बड़ी सफलता पुलिस की कही जाती है। प्ले स्टोर में जो आप खुद ही देख सकते हैं नंबर ऑफ डाउनलोड, जो बड़े ऐप्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं करोड़ों ऐप बार डाउनलोड हुए हैं, वो मान के चलें करीब सिक्योर्ड रहते हैं। काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जो कि प्ले स्टोर भी जो ब्लॉक करते रहता है, जिसमें केवल 1,000-10,000 डाउनलोड हैं। तो अनवेरीफाइड और नए ऐप से बचना चाहिए, रिलायबल ऐप्स को ही डाउनलोड करना चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का।